हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और आज मेरा टॉपिक है ये जुकनी। ये अमेरिकन नाम है जुकनी, इसको स्क्वाश भी बोलते हैं और इसको चप्पन कद्दू भी बोलते हैं। इसका मैंने दो पैकेट सीड मंगाया था। एक पैकेट में 10 सीड रहता है, 10 बीज रहता है, तो 2 पैकेट मैंने मंगाया था। 2 पैकेट सीड का दाम था 225 रुपये, जिसमें कि उन लोगों ने एक ही पैकेट भेजा, 10 बीज भेजा उन लोगों ने। मैं उसको बोया तो उसमें से जो जर्मिनेशन जो था जमने का, 10 में से 7 बीज जो है जर्मिनेट हुआ है, जमा है, जो आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा। इसका एक खासियत है कि ये कैंसर के रोगी के लिए भी फ़ायदेमंद है। और इसकी सब्ज़ी जो है ऑनलाइन मार्केट में 56 रुपये से लेके 75 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकता है। मतलब कि और इसका सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। एक और बात है इसमें कि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। इसके एक पेड़ से आप लोग पैदावार जो है 10 से 15 केजी पर पेड़ ले सकते हैं। और जब इसमें फल लगना चालू होता है तो कंटिन्यूस फल देता है। इस फल को आप जो है सलाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, सब्जी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये 3 कलर में आता है, एक येलो कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है, एक जो वाइट ग्रीन बोलेंगे उसको वाइट ग्रीन कलर का होता है। देखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। आप देखेंगे तो मतलब कि आप इसको देखते रहेंगे जब इसमें फ्रूट आता है तो। और आप जो सलाद के लिए यूज करते हैं खीरा या ककड़ी, इसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई तीखापन नहीं होता है, सेम ये खीरा ककड़ी जैसा ही होता है। तो 2 फायदा है इसका, इसका सब्ज़ी बना सकते हैं और सलाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये पीला कलर, ग्रीन कलर और हल्का वाइट कलर में आता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू।